नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव और इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। कोरियोग्राफर और डांस शो की जज गीता कपूर की फोटो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी हुई है। फोटो में गीता ने सिंदूर लगाया हुआ है और ये फोटो बेहद ही खूबसूरत लग रही है। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 की जज गीता कपूर इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। गीता कपूर के चर्चा में रहने की वजह है उनकी शादी की अटकलें। गीता कपूर ने बीते दिनों अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थीं जिसमें वो मांग में सिंदूर भरी हुई नजर आ रही थीं। इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों ने उनकी शादी के कयास लगा लिए थे। वहीं अब गीता कपूर ने खुद लोगों के इन सवालों का जवाब दिया है। बता दें, हाल ही में गीता कपूर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अपनी शादी की सच्चाई बताई है। गीता कपूर ने बताया कि नहीं, मैंने शादी नहीं की है, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, अगर मैंने शादी की होती तो मैं कभी नहीं छुपाती। साथ ही इस समय मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, मैंने कुछ महीने पहले ही अपने करीबी को खो दिया है, इस बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। सिंदूर की सच्चाई बताते हुए गीता कपूर ने बताया कि नहीं, मैंने मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। वो तस्वीरें सुपर डांसर चैप्टर 4 के लेटेस्ट एपिसोड के शूट से हैं। वो एपिसोड बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्रियों के ऊपर था और हम सब उन्हीं की तरह तैयार हुए थे। सब लोग जानते हैं कि मैं रेखा जी की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी तरह तैयार हो जाऊँ। वो भी सिंदूर लगाती हैं तो इसलिए मैंने भी सिंदूर लगाया। आपको बता दें, आगे गीता कपूर ने ये भी बताया कि उन्होंने कोई पहली बार सिंदूर नहीं लगाया था। गीता ने बताया कि चूंकि मैं भगवान शिव के भक्त हूँ, इसलिए हर सोमवार पूजा के बाद मांग में सिंदूर लगाती हूँ और भी कई मौके पर, जैसे कि होली पर भी मैं सिंदूर लगाती हूँ। सिंदूर ऐसी चीज़ है कि मैं पहले भी कई बार लगा चुकी हूँ। बता दें कि गीता कपूर ने कुछ महीने पहले लाल रंग की ड्रेस में फ़ोटो शेयर की थी। इस ड्रेस के साथ गीता कपूर ने लाल रंग का सिंदूर भी मांग में भरा हुआ था। इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में गीता ने लिखा था, शूट के लिए तैयार। इन तस्वीरों को देख गीता के फैंस भी काफ़ी कंफ्यूज नजर आए थे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।